हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। मैं चंद्र प्रकाश मिश्रा जीके स्टडी विथ मोटिवेशन में कोरोना वायरस पार्ट थर्ड लेकर आया हूं। वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। उससे पहले एक चीज़ कि इतर से कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं, मज़ा तो तब है जब आपके किरदार से खुशबू निकले। और बस इसके लिए आपको एक काम करना है कि सफल बस इतने हो जाओ कि माता पिता की हर ख्वाहिश पूरी कर सको। बस मेरी इतनी गुजारिश है। आइए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है आपका कि किस राज्य ने नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान शुरू किया है। चार राज्य आपके दिए गए हैं, पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा हरियाणा, चौथा कर्नाटक। तो क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य ने नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान शुरू किया है। आपको मैं बता दूं, पहला उत्तर प्रदेश नहीं हो सकता, दूसरा उत्तराखंड नहीं होगा, तीसरा हरियाणा नहीं, बचा आपका कौन सा, कर्नाटक, अर्थात विकल्प चौथा कर्नाटक। राज्य एक ऐसा राज्य है जिसने नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान को प्रारंभ किया है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य ने ICMR से कोरोना के पूल परीक्षण के लिए मंजूरी ली। ध्यान रखिएगा, पूल परीक्षण एक शब्द और हाल ही में, चूंकि ये करंट अफेयर और हाल ही में की बात कर रहा है, मतलब लगभग आज के 10 दिन पूर्व की बात कर रहा है कि 10 दिन पूर्व किस राज्य ने ICMR से कोरोना के पूल परीक्षण के लिए मंजूरी ली है। बिहार नहीं था, कर्नाटक नहीं था, मध्य प्रदेश नहीं था, बचा आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो आज के 10 दिन पूर्व ICMR से कोरोना के पूल परीक्षण के लिए मंजूरी लिया है। तीसरा क्वेश्चन, IMF ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहेगी इसका अनुमान लगाया। कहने का मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कि IMF ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जो GDP है उसकी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहेगी इसके बारे में कह रहा है। यहां से आपको दो तीन क्वेश्चन क्लियर होंगे। IMF मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF ध्यान रखिएगा, IMF का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और इसकी स्थापना मैं आपको बता दूं कि आजादी के 2 साल पूर्व 1947 में आपको आजादी मिली थी, और उस आजादी के 2 वर्ष पूर्व यानी कि 1945 में IMF मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी। और वही क्वेश्चन है कि IMF अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2020-21 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहेगी इसका कितना अनुमान लगाया गया है। पहली बात कि IMF का जो स्थापना वर्ष है वो 1945 है और आपको आजादी 1947 में मिली थी, ये 2 वर्ष हैं आपके, तो ये 19 क्लियर हो गया। बीच में एक दशमलव लगा दी, यानी 1.9% ही भारत की GDP वृद्धि दर अनुमानत रहेगी, अर्थात ये तीनों विकल्प आपके क्या हुए, गलत साबित हुए। चौथा क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने COVID-19 वैश्विक महामारी के मद्देनजर मनरेगा मजदूरी में औसतन कितने रुपए की वृद्धि की। ध्यान रखिएगा, मनरेगा एक क्वेश्चन और आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। जो नरेगा मनरेगा में कब ट्रांसफर हुआ था, कब बदला था, ये 2009 आप याद रखिएगा। तो क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने COVID-19 वैश्विक महामारी के मद्देनजर मनरेगा मजदूरी में औसतन कितने रुपए की वृद्धि की है। दूसरा प्रश्न आपका ये क्लियर हो गया कि कोरोना वायरस जब तक नहीं आया था इसके पहले मनरेगा जो मजदूरी का जो औसत था वो 182 रुपया था। ध्यान रखिएगा, मनरेगा मजदूरी 182 रुपया था, कब, कोरोना वायरस के पूर्व, किसके पूर्व, जब तक कोरोना वायरस नहीं आया था भारत में उसके पूर्व जो मनरेगा मजदूरी है वो 182 रुपया था, लेकिन इसमें कुल 20 रुपया जोड़ दिया गया और ये हो गया आपका 202 रुपया। अर्थात औसतन कितनी वृद्धि हुई है आपकी, 20 रुपये की, अर्थात विकल्प पहला आपका सही होगा और ये तीनों विकल्प आपके क्या होंगे, गलत साबित होंगे। अब मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले एक बात ध्यान से सुनिएगा कि इस वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन आप सभी के सामने मेरी तरफ से दिया जाएगा जिसका उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना होगा, अर्थात आपको रिप्लाई करनी होगी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इंस्टाग्राम, जैसा आप सभी जानते हैं इंस्टाग्राम, बहुत सभी यूजर्स हैं इसके, इंस्टाग्राम ने अपने यूजर्स को कोरोना के बारे में जागरूकता हेतु कौन सा फीचर लॉन्च किया है। इंस्टाग्राम ने ऐसा कौन सा फीचर लॉन्च किया है जो अपने यूजर्स को कोरोना के बारे में जागरूक कर रहा है। आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए। पहला इंस्टाग्राम न्यूज, ऐसा तो सभी के लिए है, चलिए इसको हम कट कर देते हैं। और अगला है आपका इंस्टाग्राम फीड, तीसरा है आपका इंस्टाग्राम सेंटर। इंस्टाग्राम सेंटर में तो आप कह सकते हैं कि केंद्र
नहीं है तो इसमें सभी आते हैं, तो इसको भी कैंसिल करते हैं। और सबसे पहली बात कि जो इसका चौथा ऑप्शन है कोई नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि यहाँ पर कोई नहीं हो, यानी कोई नहीं वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल गलत होगा। इंस्टाग्राम न्यूज वाला पहला ऑप्शन आपका गलत है, तीसरा जो आपका ऑप्शन है इंस्टाग्राम सेंटर ये भी आपका गलत है, बचा आपका दूसरा ऑप्शन इंस्टाग्राम फीड। एक ऐसा विकल्प है, एक ऐसा उत्तर है जो आपके इस क्वेश्चन के लिए सही साबित होगा, अर्थात इंस्टाग्राम ने अपने यूजर्स को कोरोना के बारे में जागरूक करने के लिए फीचर जो लॉन्च किया है उस फीचर का नाम है इंस्टाग्राम फीड। ध्यान रखिएगा, इंस्टाग्राम फीड एक ऐसा फीचर लॉन्च किया है इंस्टाग्राम ने जो अपने यूजर्स को कोरोना के बारे में जागरूक करने का बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर छठा कि WHO ने किस तारीख को नोवेल कोरोना वायरस को महामारी के रूप में मान्यता दी है। एक और क्वेश्चन यहां से आप सभी के सामने, WHO क्या है, WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एक बार और सुन ले, W से होता है वर्ल्ड, S से होता है हेल्थ और O से होता है ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कहीं कहीं आपको विश्व स्वास्थ्य संगठन के नाम से भी देखने को मिलता है। तो WHO ने किस तारीख को नोवेल कोरोना वायरस को महामारी के रूप में मान्यता दी है, आपका मैं बता दूं कि 22 मार्च को नहीं दिया था, 26 मार्च को नहीं दिया था, और इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन तो सही हो ही नहीं सकता। बचा आपका 11 मार्च, अर्थात तीसरा विकल्प आपका सही हो गया, 11 मार्च 2020 को WHO ने नोवेल कोरोना वायरस को महामारी के रूप में मान्यता दी, अर्थात WHO ने महामारी के रूप में नोवेल कोरोना वायरस को किस तारीख को मान्यता दी थी, तो 11 मार्च 2020, क्योंकि आपको पता है कि 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू लगा था और उसके पहले ही WHO ने क्या किया था कि कोरोना वायरस को महामारी के रूप में मान्यता दे दी, अर्थात उसमें विकल्प है आपका 11 मार्च 2020। सत्रहवां क्वेश्चन है आपका कि किस देश की राजकुमारी मारिया टेरेसा का कोरोना से निधन हो गया है, हाल ही में भी हुआ है, वो देश कौन सा है जिस देश की राजकुमारी मारिया टेरेसा का निधन हो गया है, पहला ब्रिटेन, दूसरा दक्षिण कोरिया, तीसरा स्पेन और चौथा आपका ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रखिएगा, मारिया टेरेसा लास्ट में 100 आ रहा है और यहाँ पे स्पेन भी है, 100 से स्टार्ट हो रहा है, अर्थात स्पेन विकल्प आपका सही होगा, इसका मतलब तीसरा विकल्प स्पेन। स्पेन एक ऐसा देश है, स्पेन ही देश की मारिया टेरेसा नाम की राजकुमारी थी और उनका निधन कोरोना वायरस से हाल ही में हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कि किस देश के वित्त मंत्री साइफरे ने हाल ही में आत्महत्या की है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, आपके सभी एग्जामिनेशंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किस देश के वित्त मंत्री, अर्थात इनका पूरा नाम थॉमस साइफरे है, इनका पूरा नाम क्या है भाई, थॉमस साइफरे जो है क्या है, वित्त मंत्री थे, लेकिन किस देश के वित्त मंत्री थे, और इन्होंने एक बात और किया है क्या कि इन्होंने खुद की क्या की है, आत्महत्या कर ली है। तो विकल्प आपके पास है पहला जापान, दूसरा जर्मनी, तीसरा कोरिया और चौथा आपका नेपाल। मैं बता दूं कि जर्मनी एक ऐसा देश है जिस देश के वित्त मंत्री का नाम थॉमस साइफरे था और उन्होंने हाल ही में अपनी क्या की है, आत्महत्या की है। इसका मतलब विकल्प ख, मतलब विकल्प नंबर दो, जर्मनी देश के मंत्री थॉमस साइफरे हुआ करते थे जो हाल ही में आत्महत्या की है। और क्वेश्चन ऑफ द डे आप सभी के लिए कि जो कोरोना वायरस है वो किस वायरस फैमिली, किस वायरस के परिवार से बिलोंग करता है, संबंध करता है, इसका आप उत्तर मुझे दे देंगे। एक बार और मैं रिपीट करता हूं कि कोरोना वायरस जो वायरस है ये किस फैमिली से, किस परिवार से बिलोंग करता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो यदि हेल्पफुल लगा तो कृपया आप सभी मुझे मोटिवेट करने के लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। यदि अच्छा नहीं लगा तो मैं इतना जरूर मुझे सुझाव प्रदान करें ताकि मैं आप सभी के लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास करूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।